हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए पार्ट टू की वीडियो लेके आई हूँ। इसमें मैंने यहाँ पर फ्रंट बैक को डिवाइड करना बताया है। चलिए तो फ्रेंड्स, हम अपने पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं और अपना पैटर्न बनाना शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तीसरे डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी बाजू निकालेंगे, फ्रंट निकालेंगे, बाजू निकालेंगे और बैक निकालेंगे। मैं इसको आपको डिवाइड करना बताऊंगी किस तरह से बाजू फ्रंट बैक निकलेंगी। ये हमने यहाँ पर फ्रेंड्स बटन पट्टी के ये 7 फंदे छोड़ने के बाद यहाँ पर 30 फंदों पर मैंने ये निशान लगाया। ये हमारा फ्रंट बनेगा और यहाँ पर बाजू के लिए मैंने अगले जो 40 फंदे थे यहाँ से यहाँ तक इसमें हमारी बाजू निकलेगी और इधर से भी 7 फंदे बटन पट्टी के छोड़ने के बाद 3 फंदे मैंने ये फ्रंट का सेकंड फ्रंट निकाला है और यहाँ पर 40 फंदों से मैं बाजू बनाऊंगी और जो पीछे बचे फंदे हैं इनमें हमारा बैक पार्ट निकलेगा। अब हम यहाँ से बाजू के लिए सिलाई में फंदे डाल के यहाँ से हम बाजू बनाना शुरू करेंगे। मैं आपको इस सिलाई में डाल के फंदे और फिर मैं आपको बाजू बनाना बताऊंगी किस तरह से बनाएंगे। देखिए, मैंने यहाँ पर बाजू के जो 40 फंदे रखे थे निशान लगाकर उसमें मैंने अपनी सिलाई डाल ली है। अब जैसे मैंने ये 6 फंदे 6 सिलाइयाँ बनाई थी, सीधी 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 तरफ से भी सीधी बनाऊंगी और उल्टी तरफ से भी सीधी बनाकर मैं इस तरह से अपनी 6 सिलाइयाँ यहाँ से बनाकर कंप्लीट करूंगी। यहाँ पर ये बाजू के लिए हम इस तरह से धागे को जॉइंट करेंगे और इस तरह से धागे को दबाते हुए हम अपनी पूरी सिलाई को ऐसे सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट करेंगे। इन 6 सिलाइयों को हम फिर से बताऊंगे, ध्यान से देखिए। सीधी तरफ से भी हम सीधी बनाएंगे और उल्टी तरफ से भी हम सीधी सीधी बनाकर 6 सिलाई कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने इस डिज़ाइन में बनाया था सेम इसी तरह से बनाते हुए 6 सिलाइयों को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपनी बाजू ये बनाकर कंप्लीट कर ली है। ये मैंने इसकी लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक 7.5 इंच रखी है। आप अपने बच्चे के हिसाब से अपनी लंबाई रख सकते हैं। अब हम यहाँ पर इसे चोली बनानी शुरू करेंगे। इस तरह से हम अपनी चोली बनाएंगे। अब हम जो ये सिलाई में फंदे हैं, अब हम इस वाली सिलाई में इसे यहाँ से इस तरह से डालेंगे और इसके परले सिरे से हम इन फंदों को हम इस सिलाई में हम इन फंदों को इस सिलाई वाले फंदे को डाल लेंगे। ये मैंने अपने यहाँ से फंदे इस सिलाई में डाल लिए हों, इधर वाले फ्रंट पार्ट के भी मैंने इस सिलाई में डाल ली है। अब हमें क्या करना है ध्यान से देखिए। ये अब हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट से लेके यहाँ से धागा चेंज करके 6 सिलाई हम ऐसे सीधी सीधी इस तरह से जैसे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है इस तरह से बनाकर कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम धागा दबाते जाएंगे ताकि पहनते हुए हमारी उंगलियों में न फंसे। इस तरह से धागा दबाते हुए पूरी सिलाई को हम ये कंप्लीट करेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और
कटनी से बनाते हुए हम पूरी सिलाई को इस तरह से कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैं फ्रंट पार्ट को कंप्लीट करके दिखा दी हूँ, फिर आगे देखिए बैक पार्ट को मैं साथ साथ बनाते हुए चलूँगी। एक फ्रंट पार्ट को बुनकर कंप्लीट किया। अब हम इसे इस तरह से, ये हमारी यहाँ से बैक पार्ट है, यहाँ से हम ये बैक पार्ट को भी ऐसे ही सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट करेंगे, साथ साथ लेते हुए जाएंगे। ये हमारे दोनों फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट इकट्ठे बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। ये बैक पार्ट को मैं आपको बनाकर उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करेंगे। मैंने बैक पार्ट की भी सिलाई को बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए इसके दूसरे वाले ये फ्रंट पार्ट पर, इसको भी हम ऐसे सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट करेंगे। ये हमारी चोली के नीचे का पोर्शन बनता हुआ जाएगा। इस तरह से हम ये सेकंड वाले फ्रंट पार्ट को भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने ये सेकंड वाला पार्ट फ्रंट वाला बुनकर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ जाते हैं इसकी अगली सिलाई की तरफ। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरह से हमारी ये बुनता हुआ आया है। ये मैंने राउंड वाली नीडल से बुनते हुए ये हम इस तरह से इकट्ठा बनाते हुए ये वाली 6 लाइन हम वाइट कलर से बुनकर आगे हमने जितनी अपनी लंबाई रखनी है अपने बच्चे के अकॉर्डिंग उस हिसाब से हम बॉर्डर तक बना के लेके आएंगे। इसमें हमने कोई फंदा बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं है, जैसे फंदे हैं वैसे ही बुनकर कंप्लीट करेंगे। या तो आप अपना ये डिज़ाइन डाल सकते हैं या फिर 3 सिलाई 6 सिलाई डालने के बाद वाइट कलर की आप इसे सिंपल बुनकर अपनी लेंथ कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से यहाँ तक अपनी लेंथ को कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पर धागा चेंज करके, जैसे मैंने यहाँ पर बाजू में ये उल्टी उल्टी सिलाइयों का बॉर्डर बनाया हुआ है, ऐसे ही मैं यहाँ नीचे बॉर्डर में भी यही सिलाई दूंगी। 4 4 8 4 3 12 4 4 16 16 लाइन मैंने 4 व्हाइट की 4 पिंक की फिर से 4 व्हाइट की 4 पिंक की इस तरह से मैं यहाँ पर बनाऊंगी। ये हम किस तरह से बनाएंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम धागा चेंज किया और मैं यहाँ पर वाइट कलर का धागा लेके दोनों तरफ से मैं सीधी साइड से भी मैं ऐसे सीधी सीधी सिलाई बनाऊंगी और उल्टी तरफ से भी मैं ऐसे सीधी सीधी बनाते हुए 16 सिलाई अपनी कंप्लीट करके नीचे से बॉर्डर बना लूंगी।
इस तरह से बनाते हुए मैं यहाँ पर 16 लाइन बनाकर फिर आपको दिखाऊंगी आगे क्या करना है। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने अपने पूरे पैटर्न को कवर कर लिया। यहाँ से मैंने ये 2, 4, 6 लाइन मैंने ये वाइट कलर से बनाई। फिर मैंने यहाँ अपनी लेंथ के अनुसार इसे सीधी तरफ से भी सीधा बनाया है और उल्टी तरफ से भी, ध्यान से देखिए, सीधा सीधा बनाकर कंप्लीट किया है। फिर बाद में मैंने ये आपको बताई थी 4, 8, 4, 3, 12, 4, 4, 16 लाइन मैंने ये बॉर्डर की बनाकर कंप्लीट की है। जैसे मैंने यहाँ बाजू में बनाई थी, इसी तरह से मैंने अपनी ये नीचे बॉर्डर भी बनाकर कंप्लीट कर लिया है। इस तरह से हमारा पैटर्न कंप्लीट हो गया है। अगर फ्रेंड्स आपने मेरी वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।